महाराजगंज प्रखंड के तकीपुर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगौछा में प्रवासी मजदूर के लिए बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र का हाल बेहाल है। यहाँ पिछले 2 दिन में 12 पुरुष और 2 महिला क्वारंटाइन के लिए कोलकाता और सूरत से पहुँचे हुए हैं। हालांकि यहाँ प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजी ही साबित हो रही है। कागज़ में क्वारंटाइन केंद्र है, हकीकत यह है कि क्वारंटाइन केंद्र बनने के बाद से ही यहाँ पर कोई पदाधिकारी तक सुध लेने नहीं पहुँचा। विद्यालय में क्वारंटाइन के लिए पहुंचे पंचायत के तमाम मजदूरों ने बताया कि विद्यालय के अधिकांश कमरे में ताले लगे हैं, लोगों को रहने तथा खाने की व्यवस्था नहीं है। मजदूर बरांडे में रहकर किसी तरह रात गुजार रहे हैं। बताया कि 2 दिन पूर्व कलकत्ता और सूरत से प्रखंड मुख्यालय पहुँचता है, जहाँ बताया कि आपके पंचायत में क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया है। इसके बाद जब वह तकीपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगौछा पहुँचे तो वहाँ के दृश्य देखने लायक थी। विद्यालय के सभी कमरे में ताला बंद थे। इधर प्रशासनिक मदद मिलने की आस में अब तक मौजूद दूरों का 48 घंटा पूरा हो चुका है, हालांकि अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। ये क्या कुछ कहते हैं प्रवासी मजदूर। 18 लाइव के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। कब से आए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर पे? कल से। खाने पीने की व्यवस्था मिला आपको? कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। लाइट वाइट का व्यवस्था कुछ नहीं है? यहाँ के मुखिया से आप सूचना दिए हैं? जो मुखिया है या जनप्रतिनिधि कोई भी, कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया आप लोगों को? आपका नाम क्या हुआ? घर यहाँ पे कलकत्ता से आए। कब से आए हुए हैं? कल से। खाना पीने का व्यवस्था आपको मिला है यहाँ पे? व्यवस्था है। बिजली पानी होने का व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ के मुखिया से आप सूचना दिए हैं? सूचना तो दिए हैं, कुछ बोले नहीं। कुछ नहीं बोले। आपका नाम क्या हुआ? भरत साहब। घर? तकीपुर। कहाँ से आए हुए हैं आप? कलकत्ता से। कब से? कल से आए। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था मिली आपको? कुछ नहीं मिले। खाने पीने का व्यवस्था कुछ नहीं मिला आपको? तो सूचना दिए हैं मुखिया जी को या जो भी अधिकारी को? कल दे दिए, लेकिन कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं किया गया। आपका पर्चे? ओम प्रकाश राव। घर? तकीपुर। कब से आए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर पे आप? मैं तो परसों से आया हूँ। परसों से आया है। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था मिली है आपको? अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है सर यहाँ। खाना पीने का? खाना पीने का भी व्यवस्था नहीं है, लोग घर से मंगा रहे हैं खाना। घर से मंगा रहे हैं। आपका पर्चे? पर्चे बगौछा। नाम क्या हुआ? जयशंकर। थे? हाँ गए थे। मुखिया जी क्या बोले थे? गए बोले आज व्यवस्था होने करवाएंगे, देखेंगे। हाँ। आज हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं। कितना दिन हुआ आपको आए हुए? कल से आए हैं। कल से। क्या आपको परिचय, क्या नाम है? इंदल कुमार राय, घर तकीपुर, राजस्थान से आए हैं। लेटरिंग वगैरह ये सब आपको व्यवस्था मिल रही है? व्यवस्था है, बाहर करना बाहर तक निकले जाना पड़ता है। कब से आए हुए हैं कॉन्ट्रेंस? कल से। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे कैसे मिल रहा है आप लोगों को? ठीक ठाक मिल रहा है? अपने घर से मंगा रहे हैं। घर से मंगा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं, नहीं कोई। आपका परिचय? रामानंद साहब। घर? तकीपुर। आप कहाँ से आए हुए हैं? सूरत गुजरात से। क्वारंटाइन सेंटर पे कब से हैं आप यहाँ पे? कल से। खाना पीने की व्यवस्था यहाँ पे? कुछ नहीं, घर से रहे। यहाँ मुखिया जी से सूचना दिए हैं आप? कल से आए हैं। कोई व्यवस्था नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश कुमार, ग्राम कुछ तकीपुर, गुजरात, सीवान, बिहार।